भाजपा के चार राज्यों में मजबूती के साथ जीत और सरकार बनाने के बाद से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़े गेम की प्लानिंग चलने शुरू हो चुकी है। ये प्लानिंग तो पिछले काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन अचानक से प्रशांत किशोर जो एक महीना पहले मिलते हैं नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार से मिलने के बाद वो बिहार में अपना डेरा जमाने के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर काम करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए सीधे तौर पर प्रशांत किशोर के काम करने को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने नकारात्मक उत्तर दिया था। उनका आज वर्तमान जो स्थिति है उसमें वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से कहीं भी पंगा लेना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव के बाद कहा था कि वो अब रणनीति नहीं बनाएंगे, उनकी टीम आईपैक काम करेगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो अब राजनीति से अपना नाता जोड़ेंगे। इसके लिए उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल प्रियंका से हुई थी। सोनिया गांधी और राहुल प्रियंका से मुलाकात के बाद से कहा यह जा रहा था कि उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध करने के लिए कांग्रेस तैयार है, लेकिन ये संबंध नहीं बन पाया। इसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर देशव्यापी एक बड़े गठबंधन की नरेंद्र मोदी के विरुद्ध तैयारी शुरू कर चुके थे। उस तैयारी को लेकर के सोनिया गांधी ने पहले ही G23 की बात कर दी थी और उसको लेकर के चर्चाएं भी शुरू हो चुकी थी। कई नेता एक दूसरे को जोड़ने में लगे हुए थे, लेकिन इस बीच में चार राज्यों के चुनाव हुए और चार राज्यों के परिणाम में सभी को ये लग गया कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पे हराना बहुत मुश्किल है, टक्कर देना भी मुश्किल है, और ना कोई बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी के सामने बन पा रहा है। इसको लेकर के प्रशांत किशोर की एक बार फिर से मुलाकात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से हुई है। इस मुलाकात को लेकर के साफ कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अब एक बार फिर से उसी काम में लग गए हैं जिस काम को आज से 6 महीना पहले वो करने के लिए तैयारी कर रहे थे। इस बीच में नीतीश कुमार से एक महीने के बाद, मुलाकात के एक महीने के बाद इस तरह की प्रतिक्रिया देना और शुरू हो जाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ स्पष्ट करता है कि प्रशांत किशोर अब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है और इस हिस्सा में बिहार अछूता नहीं है। कांग्रेस के दो नेताओं से मुलाकात की पुष्टि भी हो चुकी है, हालांकि इस बैठक पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि राहुल प्रियंका से प्रशांत किशोर की मुलाकात कोई चाय पार्टी तो हुई नहीं होगी, राजनीतिक मुलाकात होगी, और इसके पीछे कई ऐसे कारण बताए जा रहे हैं, कई ऐसी योजनाएँ बताई जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 में बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने हैं और ख़ास करके नरेंद्र मोदी के गुजरात में चुनाव होना है, और ये सबसे मजबूत स्थापित करेगा कि 2024 के चुनाव में कौन क्या करेगा। प्रशांत किशोर एक पूर्व सहयोगी ने स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था, लेकिन प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं उस समय उसके लिए तैयार नहीं हो पाए थे, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जीच हो गया था। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करने लगे हैं और कहीं ना कहीं इन सारी बातों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। एक रिपोर्ट की माने मीडिया रिपोर्ट की तो प्रशांत किशोर सिर्फ कांग्रेस से मुलाकात ही नहीं बल्कि इस देश के गैर भाजपा कई मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी उसी कड़ी में आते थे। हालांकि नीतीश कुमार ने इस मुलाकात को अनौपचारिक बताया है, लेकिन सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि राजनीतिक लोगों की मुलाकात के पीछे कुछ ना कुछ तो होता है। प्रशांत किशोर का मुलाकात हो करना और उसके बाद पटना में अपना कार्यालय डालना इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि नीतीश कुमार भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार भले ही खुश होने का, साथ रहने का जरूर ये दिखावा कर रहे हों, लेकिन वास्तविकता ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो उसके व्यवहार हैं और जो क्रियाकलाप है उससे खुश नहीं है। मजबूरी में दोनों एक दूसरे के साथ हैं और ये संबंध जैसे ही नीतीश कुमार को सही अवसर मिलेगा क्विट कर जाएंगे। इस पूरे विश्लेषण को कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के तरफ से देखा जाए तो प्रशांत किशोर जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, और ये देश
जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार को तैयार करने की जिम्मेवारी अब प्रशांत किशोर को मिली है। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन से विपक्ष खेमे में हड़कंप है, और उसे कैश करने के लिए प्रशांत किशोर से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। एक रणनीतिकार हैं और एक कहीं ना कहीं कहा जाए तो उनका काम ही रहा है रणनीति बनाना। अब देखना होगा कि प्रोफेशनल तरीके से या फिर राजनीतिक तरीके से किस तरीके से प्रशांत किशोर इस पूरी योजना पर काम करते हैं, और कैसे सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास करके नरेंद्र मोदी को आने वाले 2023 और 2024 में टक्कर देते हैं। इसके साथ ही बिहार में भी 2025 में निश्चित रूप से चुनाव में बहुत कुछ बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।